तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए कुक विद जोया चैनल को, और सामने जो बेल के आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। लगभग ये रमज़ान हमारा एंड पर है और आज हम बनाने वाले हैं शीरकुरमा, जो बहुत ही टेस्टी होता है। इस रमज़ान का, ईद का स्पेशल है। तो शीरकुरमा बनाने के लिए हमने इस तरह से कुरमा को कट कर लिया है, बादाम, काजू बादाम, पिस्ता और ये वाला बादाम, और आलमंड को भी मैंने इस तरह से छिलकर कट कर रख दिया है। और दूध में एक चम्मच हमने केसर सैफ्रन डालकर भिगाकर इस तरीके से कलर करके रेडी रखा है। अब हमने ये बारीक सेवैयाँ लिए हैं, ये बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, जाड़ा वाला सेवैयाँ इतना खास नहीं लगता है। तो शीरकुरमा में ज़्यादातर ये बारीक सेवैयाँ ही ज़रूरत पड़ती है, तो इसको अच्छे से हम तोड़ लेंगे। इतना लंबा हमें ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से तोड़ लीजिएगा, लंबा चे लंबा और छोटा चे छोटा। तो चलिए अब हम दूध गर्म कर लेते हैं। मैंने 2 लीटर दूध इसमें गर्म करने के लिए रख दिया अच्छे से। जब ये उबाल आ जाए तो इसको धीमी आंच पे हम रख देंगे थोड़ा गाढ़ा होने के लिए। तो दोस्तों, इसमें उबाल लगभग आ गया है और हमने इस पर स्लो आँच पर इसको 5 मिनट पका भी लिया है। तो ये हमारा तैयार है। अब हम कढ़ाई में घी गर्म कर लेंगे। ये देसी घी है दोस्तों, जो गाय का घी होता है, देसी घी वो है। इसको थोड़ा सा गर्म हो गया, अब इसमें हम बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखा था सब एक साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, घी में फ्राई करेंगे। दोस्तों, घी में फ्राई करने से इसका जो टेस्ट भी अच्छा आता है और खुशबू स्मेल भी बहुत बढ़िया आती है। तो चलिए, इसको थोड़ा पका लिया हमने। या देखिए, अच्छे से ये रोस्ट पक चुका है, ब्राउन हो चुका है। अब सारे नट्स हमने निकाल लिया है और इसी घी में हम अपना सेवई भी 2 मिनट के लिए चलाते हुए इसको पका लेंगे, भून लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस स्टेज पे, आपको आराम से इसको चलाते हुए पकाना है, जलाना नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से ब्राउन हो चुका है ये, और इसमें स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इस स्टेज पे हमें क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो गर्म दूध हमने रखा था उबाल के, वो हम इसमें धीरे धीरे ऐड कर देंगे। हालांकि दूध भी हमारा गर्म है और ये सेवई भी गर्म है, तो बहुत जल्दी उबाल आ जाएगा, तो इसीलिए आपको थोड़ा सावधानी से ऐड करना है। तो चलिए, इस तरीके से हमने दूध ऐड कर लिया है और अब इसमें इलायची पाउडर हम कूट कर डाल देंगे और बाकी की जो रोस्टेड फ्राई किए हुए जितने नट्स थे सबको हम ऐड कर लेंगे और उसको चलाते हुए पकाएंगे। अब इस स्टेज पे हम 1 कप चीनी भी ऐड कर लेंगे। आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो हमने 1 कप चीनी ऐड किया है, अब इसको हम चलाते हुए पकाएंगे दोस्तों। थोड़ा उबाल आ जाए तो इसको हम बंद करके सर्व करेंगे गर्मा गर्म। तो चलिए दोस्तों, सर्व करते हैं। लीजिए दोस्तों, कितना अच्छा, कितना प्यारा, रिच, एकदम टेस्टी सा शीरकुरमा तैयार है दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।